आज चाहिँ म E.F.R थर्ड बर्ड लाइन ट्रेनिङ सेन्टर ब्यारिकमा आइरहेको छु, जो कि यहाँनिर आज E.F.R ब्रिगेडको अन्डरमा ओपनिङ एड्रेस भइरहेको छ। लेस्नेक क्याडर हो, राइफल क्याडर चाहिँ यहाँनिर छ। यो एकदम गर्वको बात हो। सर टोटल राइफलमेन 73, राइफलमेन कैडेट कोर 73, लेस नाइक 14 जना टोटल यहाँ प्रेजेन्ट उपस्थित भएको छ। र ओपनिङ एड्रेसमा E.F.R ब्रिगेड अन्डरमा लेस नाइक क्याडेट कोर्स ब्याच नम्बर 3 र राइफलमेन क्याडेट कोर्स ब्याच नम्बर 4 को कम्बाइन्ड ट्रेनिङ थर्ड बर्ड लाइन ट्रेनिङ सेन्टरमा र 31/1/2022 यसको आज ओपनिङ एड्रेस। हलदार दवासेङ्गो उस्ताद, जो कि यहाँ क्याडर कोर्सको उस्ताद हुनुहुन्छ, र उस्ताद यहाँ हाम्रो आज जुन चाहिँ ओपनिङ एड्रेस भइरहेको छ क्याडर कोर्सको, है यो ब्याच नम्बर लेस टेक क्याडर कोर्स ब्याच नम्बर 3 र क्याडर को राइफलमेन क्याडर कोर्स ब्याच नम्बर 4 यसको कम्बाइन्ड ट्रेनिङ, यसको बारेमा सानो भनिदिनुहोस् न। हजुर, आजदेखि फेरि हाम्रो यो प्रमोसनल कोर्स राइफलमेनदेखि लेस नाइक हुने ब्याच नम्बर फोर साथै एकैसाथमा लेन्स नाइक टु नाइक प्रमोसनल कोर्स ब्याच नम्बर 3 एकैसाथमा यसरी आज E.F.R थर्ड बर्ड लाइन ट्रेनिङ सेन्टरमा ट्रेनिङ भइरहेछ र यसको आज ओपनिङ सेरेमोनी छ। IGAP E.F.R बटालियन आउनुहुनेछ र यो ओपनिङ एड्रेस गर्नुहुनेछ, साथै हाम्रो कमान्डेन्ट E.F.R थर्ड बटालियन पनि आउनुहुनेछ। र यो आज एकैसाथमा यसरी दुईवटा निकै ठुलो टोली ट्रेनिङ सुरु भएको प्रथमपल्ट हो, र यो E.F.R थर्ड बटालियन ट्रेनिङ सेन्टरको सायद 4th-5th होला सायद ट्रेनिङ, यो E.F.R ब्रिगेडको ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ जति पनि प्रमोसनल अथवा अरू कोर्सहरू E.F.R को लागि चाहिँ यहीँनिर अहिले यो एसाइन गरेको छ अथवा इन्ट्रेस्टेड गरेको छ यो कोर्सको लागि, र यो कामलाई हामीहरूले अगाडि बढाउनेछौँ। र अब केही क्षणमा हाम्रा माननीय सम्माननीय IGAFR साथै कमान्डेन्ट E.F.R थर्ड बर्ड लाइन आउनुहुनेछ र यो ओपनिङ एड्रेसलाई उहाँहरूले एड्रेस गर्नुहुनेछ। श्याम कुमार थापाज्यू पनि हुनुहुन्छ, जो कि फर्स्ट बर्ड लाइनबाट हुनुहुन्छ, र उस्ताद तपाईँले पनि क्यारियरको विषयमा सानो छोटकरीमा भन्नुभयो। यहाँ मभन्दा सिनियर जस्तो लागि नै भनिहाल्नु भयो, भन्नुभन्दा धेरै सबसे पहिला आज यहाँ एउटा ठुलो बेच कोर्स आरम्भ भइरहेको छ, त्यसमध्येमा E.F.R फर्स्ट बटालियनको राइफलमेन क्याडरमा यहाँ ट्रेनिङको लागि आएका छ टोटल 24 जना, र E.F.R सेकेन्ड बटालियनबाट 33 जना, अनि E.F.R थर्ड बटालियनबाट 21 जना राइफलमेन टु लेस नाइक कोडर क्याडर क्लासको लागि, साथै 14 जना चाहिँ E.F.R तिनवटा बटालियनको कम्बाइन्ड हिसाबले लेस नाइक टु नाइक कोर्सको लागि आएको छ। र यो एउटा ठुलो कोर्सको टोली हुनु कारणले गर्दाखेरि आज यहाँ सबैको उत्साह छ, र आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै हाम्रो बटालियनमा अझै स्ट्यान्ड फुलफुल भएर यो प्रमोसन छिटो छिटो हुने एउटा प्रबन्ध भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर म हाम्रो प्रशासनलाई पनि दरखास्त गर्दैछु। अरू केही छैन, अनि आउने केटाहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सबैलाई हामी यहाँ वेलकम गरेर ट्रेनिङ राम्रोसँग बितोस् भनेर शुभकामना दिँदैछु। र अहिले भर्खरै हाम्रो IG साहब E.F.R AP आउनु भइसकेको छ। उपस्थित
Samananiya Sri Jabasis Pitch IPS, Inspector General of Police, Armed Police, Eastern Frontier Rifles, Salua Sir ko, Saman Hetu, Hamare Unit Dwara, Prashikshan Kendra ki or se, Sir ko, Ek Bhukhe ke Taur par, Phool Arpan karke Hamare Commandant ki appointment pe transfer ho. सेकंड बटलाइन से चार और थर्ड बटलाइन से तीन टोटल 14 लेस नाइट और राइफलमैन ईएफआर फर्स्ट बटलाइन से 24 और सेकंड बटलाइन से 30 ईएफआर थर्ड बटलाइन से 21 टोटल 75 टोटल दोनों मिला के 89 तीन जवान ईएफआर सेकंड बटलाइन से नए अकाउंट छुट्टी में सर आगे की कार्रवाई शुरू करने का इजाजत प्रदान करें हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय श्री देवास आईपीएस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर्म पुलिस ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल सर और माननीय श्री अनुमित्र दास आईपीएस कमांडेंट एफआर थर्ड बटालियन और श्री सुब्रत हमारे इस यूनिट ने भारत के विभिन्न क्षेत्र में बहुत सालों से अपनी उपस्थिति बताया साथ ही विशेष विशेष कार्य को भी इस यूनिट ने बहुत ही वफादारी और बहादुरी के साथ पूरा किया है चाहे आजादी के पहले हो या बाद में इन सब का एक छोटा सा जगत बॉलीवुड की फिल्म खेले हम जान से की है जहाँ ये एफआर की टूटी के काम को दर्शाया गया है Get troops from Calcutta right away. Do you know who you want to get? Yes, sir. Lieutenant Colonel Dart of the Eastern Frontier Rifles. You will know the room. Yes, sir. सिखाए जाने वाले उन सभी क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकार होने के कारण उनका अनुभव का फायदा हमारे ट्रेनर और एनालिस्ट को मिलेगा सर ने वेपन एंड टैक्टिक्स की मुख्य भूमिका में अपनी ड्यूटी देते हैं साथ ही उस्ताद ड्रिल के एक अच्छी जानकार उस्ताद है हवलदार अशोक थापा पीटी ड्रिल और वेपन इंस्ट्रक्टर लेस नायक उत्तम सुना पीटी ड्रिल एंड वेपन इंस्ट्रक्टर लेस नायक रविंद्र सुब्बा पीटी ड्रिल और वेपन इंस्ट्रक्टर लेस नायक श्याम थापा ये फॉर फर्स्ट बटालियन वेपन ड्रिल और पीटी इंस्ट्रक्टर और नेक्स्ट बीएचएस सुभाष छेत्री उनको ड्रिल और हथियार के बारे में अच्छी जानकारी है उनका अनुभव का फायदा उस्ताद द्वारा दिए जाने वाले क्लासेस से हमारे कैडरों को मिलेगा Regiment number 2735, Les Knight, Dawa Sri, Bhatia. Here for second what I say, Les Knight, Cader ke liye, aaj is on the board. Regiment number 1872, Gurbhadur Tarun, second Bhatlain se. Jai Sri Mon. Sankar Babu Chetri, here for first Bhatlain se. Jai Sri Mon. C890, Ajay Kumar Tamang, here for first Bhatlain. जय श्री माँ मैं 6869 राइफलमैन गणेश थापा एफआर फर्स्ट बटालियन से जय श्री माँ गंजाम श्रीमान मैं राइफलमैन नंबर 888
Shankar Thapa, E.F.R. 3rd Battalion, Zainza. Honorable IDP E.F.R. Sri Devasis Bench IPS, Assistant Commandant Shishu Bhagosha, मेरे सारे कॉलेज और जितने भी ट्रेनिंग है आप सबको इस ट्रेनिंग में स्वागत करते हैं। कोस्ट कोऑर्डिनेटर एंड कमांडर ईएफआर थर्ड बटालियन अनामित्र असिस्टेंट कमांडर सुब्रत गौरव को इतिहास ईएफआर फर्स्ट बटालियन का जन्म हुआ था 1907 में। तो जान लीजिए कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये बात नहीं है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये बात नहीं है। Toilets.